तो गाइस ये वाले जूते हैं। अगर ये पूरा गाइस शूज़ मार्केट है और आगे भी बहुत सारी जगह पर है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहता हो ये सुल्तान। तो ये व्हाट्सअप गाइस, दिस इज प्रथम सिंह एंड यू आर वाचिंग अनदर व्लॉग व्लॉग। तो चलो आज का व्लॉग, इट्स अ व्लॉग, इट्स अ व्लॉग। तू निकल जा पहले, तुम कर लो पहले, हम बाद में कर लेंगे। क्या हुआ, कोई ट्रक जा रहा है पीछे ही ना, नगर निगम की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इधर, और हम लोगों ने डायरेक्ट फतेहाबाद रोड आके ही मतलब स्टार्ट किया है ब्लॉग। तो अब हम लोग चलते हैं, आज का पूरा डेली ब्लॉग दिखाएंगे आपको, और अब से डेली ब्लॉग आएंगे पक्की बात है। आप आएंगे क्या भाई है? आप आएंगे क्या? ब्लॉगिंग आएंगे भाई अब तो। वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग, मतलब फिर से एक बार आखिरी बार बोल रहा हूँ, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग आज का, और इस बार ना आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा, पूरा व्लॉग देखा करो। चलो भुक्कड़ कहेंगे जब देखो, कब तवे वाले कहाँ हैं, कहेंगे बना लूँ आपकी, फेमस कर दूँ आपको भैया। आप तो ऑलरेडी फेमस हो यार, हमें फेमस कर दो थोड़ा सा। अभी हम खा रहे हैं तवे वाले छोले भटूरे, और तब तक ज़रा मैं पानी लेकर आता हूँ, प्यास लग रही है इस चक्कर में। चलो भाई, ये वाले छोले भटूरे तवा भटूरे कितने के हैं भैया? ये 30 रुपये प्लेट, ठीक है भाई। कैसा लगता है तुम्हें टेस्ट यहाँ का? अभी तो खा रहा है आके। भैया ये कहाँ पर है, लोकेशन बता दो आप। तो देख लो आप लोग, मैं रोड दिखा देता हूँ आपको। सो हे व्हाट्सअप गाइस, हम आ गए हैं, दोपहर हो गई, और हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अब हम जूते लेने जा रहे हैं, और हम कैसे यार जूते लेते हैं यार, आप देख लेना चीट को। चल बे, बहुत अच्छी जगह चलेंगे। पूमा का शोरूम खुला है, हमें बढ़िया नया पूमा का शोरूम खुला है, प्यूमा का, वहां से लेंगे। और गाइस बीच में हम लोग, मैं चला गया था घर और फिर मैं सो गया था, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, और आते ही फिर मैंने डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। एंड मुझे थोड़ा सजेशन दो कि अब मैं किस किस चीज पर व्लॉग बनाऊँ, तो कमेंट में बताना जाके। और ये हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, और ये देखो मेरी बुलेरो आगे चल रही है। जी क्या कर रहा है भाई? रा नाटरा नाटरा के बताऊं भाई, यार इधर तो बहुत टाइम लग जाएगा, यो जाने ना आगे मेरे भाई, हमें पीछे चल रहे यार। चल पीछे ले ले, और क्या, पीछे कहाँ जाएगा मेरे भाई? आगे वाले, आगे वाला, आगे तो बंद। ओ भाई मेरी कार जा रही है बहुत सारी यार, आज तो मेरी कार्स जा रही है, BMW। ओ ये साले ब्लॉग कर ली है ऐसे जी बोलेगा। सो गाइस नो कमेंट्स, ये तो मैं ब्लॉग में डालूंगा, लेकिन एक्सपोज। गाइस क्या हुआ, हम लोग एक्ट वाले के निकल रहे थे, और पुलिस वाला हमारे पीछे कैमरा लेके भागने लगा, और पता नहीं उसने हमारी फोटो खींच लिया, हमारी रील बना दी इंस्टाग्राम पे। अब उसने हमारी भी अगर फोटो खींच ली होगी तो घर पे चलाना आएगा, और चलाना आएगा तो यार हमारी गलती है, तो हमें भरना जरूरी है, क्योंकि हम बिना हेलमेट के चला रहे थे गाड़ी। अब हमसे गलती हुई है तो चलानी पड़ेगी, हमारी गलती निकाल दो, गलती तो है ही है भाई। वैसे तो वो एरिया हमारे घर के पास का था यार, वहाँ तो अब लोकल में तो यार बिना हेलमेट के घूमते आदमी, लेकिन हेलमेट पहनना हमेशा जरूरी है, कार में भी हेलमेट पहनो, मैं तो कहता हूँ। सही बात है, चल भाई सही बात है भाई, कार में भी हेलमेट, मैं अभी देखो पीछे रखा हुआ पहनूंगा, तो बेल्ट भी लेके चलता हूँ साथ में, ये तो मार कुटाई मैं बैठा। हाँ मार कुटाई है, अबे गुंडागर्दी हो रही है। राम राम। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अरे देखो 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 ट्रैफिक, माए मेरे फॉलोअर्स हैं सारे के सारे यार। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो एक नया जन ऐड हो गया हमारे साथ में, बाकी अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, हम क्या लेने जा रहे हैं वो तो सब जानते हैं। कभी कभी थोड़ा सा पिज्जा हट से डोमिनोज लेने जा रहे हैं। क्या है? नहीं डोमिनो, क्या बोला था मैं, हम पिज्जा हट से डोमिनोज का पिज्जा लेने, डोमी क्या डोमिना, डोमिनोज डोमिनोज डोमिना डोमिला डोमी विशाल भाई। ब्रो साहब क्या लेने जा रहे हो आप? जी जूते लेने आए, जूते लेने आया यहाँ पे। अच्छा ये सुल्तानपुर वाली आ रही है। अरे गरीब आदमी भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, बहुत ज्यादा नंबर। अबे देख रहा है तू, 200 रुपए का डीजल खर्च करके 100 रुपए के जूते लेने आता है भाई? जलवा तो यही है, क्योंकि बाकी के पैसे जेब में चले जाते हैं फिर मेरे। अरे वो सब तेरी मम्मी देख रही है, अभी टेंशन का ले रहा तू। हाँ भाई साहब कितने रुपए किलो दिए ये?
250 किलो है भाई। भाई विशाल भाई भाई ओरिजिनल पूमा का है भाई, ये तो 2-4 किलो चढ़ जाएंगे। 100 ग्राम का होगा 10-12 चढ़ जाएंगे। मेरा कौन सा भाई टिकटॉकर है? टिकटॉक या जूते टिकटॉकर भैया। सारे जूतों के प्राइस क्या है? कितने के हैं? अरे हमारे लिए लगा लोगे? हमारी ऑडियंस आएगी ना अगर कोई देख के आपके पास, तो फिर कितना लगाओगे? 300 रुपये लगाएंगे। ठीक है 300 रुपया देगा भैया हर जूते के? हर जूता 300 रुपया देगा भैया। ये पूरा का ये शूज मार्केट है और आगे भी बहुत सारी जगह पर है, तो अगर आप में से कोई लेना चाहता हो, ये सुल्तानपुरा की एरिया में है और सस्ते जूते मिल जाते हैं, मतलब 300 से 500 के बीच में मिल जाते हैं सारे शूज। और ये हमारे विशाल के जूतों का राज यही है, देख लो 500 रुपये में डन कर दिए विशाल भाई ने। जूते तो दिखा दो तो गाइस, ये वाले जूते हैं, अगर किसी को चाहिए हो, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, और अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप आके यहाँ पे से ले सकते हो। फिलहाल मैंने तो वैसे आज तक ट्राई किए नहीं है यहाँ के साइज भाई, सही है भाई, एक आध जोड़ी हमारे लिए ले लेना, ले लो। और ले रहे हो तो हमारे लिए भी ले लेना। रिशु भाई तो वहाँ के मोनेस्ट्री के जूते पहनते हैं, चलो ठीक है, मोनेस्ट्री में और सस्ते हैं तो दिल्ली वाले, लेकिन आगरा आके ले सकते हो लेना चाहो तो। आगरा तो जूते के लिए स्पेशल है, 2-3 हज़ार की तो है बस। गाइस हम ना मजाक कर रहे थे, ये जूते 150 रुपए के, सॉरी 80 रुपए के लाए जूते वाले। अरे ये तो हम में आ गए हैं ऐसे ही, उसने फ्री में ही दे दिया, उसने कही तुम ब्लॉग बनाते हो, 2 रुपए का कूपन लिया था मैं स्क्रैच वाला, स्क्रैच में से निकले जूते, फ्री में दे दिया। मैं कह रहे थे कि तुम ब्लॉग बनाते हो तो फ्री में ले जाओ, तो 80 रुपए के पड़ रहे थे, उसने कहा 80 में क्या ही लूंगा तुमसे, तो फ्री में दे दिया। गाइस आज से मैं भी अपना कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करूंगा क्योंकि फ्री में जूते मिल जाते हैं। चलो ठीक है भाई। सो गाइस अभी हम लोग आए थे दोस्त के बर्थडे में, आज हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, प्रिंस का, किसका भाई? प्रिंस भाई का। तो प्रिंस का बर्थडे है तो उसके बर्थडे में आए थे, फिर अभी मतलब थोड़ा सा कंटिन्यू कर लिया हमने ब्लॉग, सोचा कि इसका भी ब्लॉग ले ही लेते हैं। पीछे देख सकते हो आप लोग, सारे भाई हैं अपने, बस 1-2 गाड़ी और आनी है, फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहो ब्लॉग में, बाय बाय टाटा, हाथ मार दो भाई। टाटा क्या अभी दो आ रही है? हाँ भाई क्या बर्थडे बनवा रहे हो तुम? क्यों बैरी तेरी खोदे ये कबर रवे से, ओ मेरी सारी हाना टीवी पे खबर रवे से, क्यों बैरी तेरी खोदे ये कबर रवे से, मेरी सारी हाना टीवी पे खबर रवे से। सो उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे घर पर, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था और मैं लेट भी हो गया था, मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अब डेली व्लॉग आएंगे। बाय बाय।